ऐसा क्या बोल दिया पारस खड़का जिसके वजह से लोगों ने किया गालियों का बरसात। दरअसल नेपाल 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। नेपाली सरकार भले ही खिलाड़ियों को मदद ना किया हो, लेकिन नेपाल के जनता और प्राइवेट सेक्टर ने आगे आकर नेपाली टीम को भरपूर साथ और सपोर्ट दिया है। ऐसे में नेपाल क्रिकेट के पूर्व कैप्टन तथा क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल के अभी के अध्यक्ष ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके वजह से नेपाल के जनता भड़क चुके हैं, देखिए यह वीडियो। नमस्ते, म पारस खड्का। सर्वप्रथम यो पोस्ट हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल क्रिकेटलाई वर्षौंदेखि सपोर्ट गर्ने लगानीकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पोन्सर्सहरू, स्पेसली वाईवाई जस्तै नेपाल अन्डर 19लाई लगभग 20-25 वर्षदेखि सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ, र साथै नेपाल क्रिकेटसँग जोडिएर आज नेपाली क्रिकेटलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई सफल भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रायोजकहरूलाई चाहिँ फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूको सपोर्ट रहिरहोस्। र सर्वप्रथम सस्तो लोकप्रियतामा नगइकन नेपाली क्रिकेट सङ्घसँग आबद्ध भएर यहाँहरूले नेपाली क्रिकेटलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्तों, यहाँ पर पारस खड़का की बातों से साफ साफ झलक रहा है कि वो ये बातें किसी के दबाव में आकर बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे बोलने का क्या मतलब है। जिस गरीबी हालात से नेपाली खिलाड़ी उठकर आया है, उसको अर्ना बियर, डी सोम जैसी कंपनी डायरेक्ट खिलाड़ियों को पैसा दे रहा है, तो ऐसे में तो ये खुशी की बात है। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि पारस जी आप खिलाड़ियों के इनाम से क्यों दुखी है, आपको उसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा है इसलिए क्या। और अर्ना ने पूरे तरीके से खिलाड़ियों के हाथ में पैसे देने के बात किया है, ना कि एसोसिएशन के हाथ में देने के लिए। अब देखिए, एसोसिएशन में बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है, तो वहाँ पर पैसे थोड़ा गोलमाल हो सकते हैं। तो वो प्राइवेट कंपनी वाला है, समझता है कि नेपाल का गवर्नमेंट और नेपाल का जो NGO वगैरह है वो किस तरीके से रन करता है। तो कहीं ना कहीं जो अर्ना कंपनी है वो ये जो फैसला लिया है कि खिलाड़ियों के हाथ में ही पैसा देना है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक सही है। और यहाँ पर वो लोग डायरेक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ डील भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अपने होर्डिंग नहीं लगा सकते। तो ऐसे में उन लोगों के पास यही विकल्प था कि डायरेक्ट खिलाड़ियों को पैसे दे दिया जाए, ना तो किसी तीसरे और दूसरे तिड़मबाजी के। और यही वो कारण है जिसके वजह से अर्ना हर नेपाली क्रिकेट फैंस के दिल में घर बना लिया है, जो इतने आसानी से निकलने वाला नहीं है। विश्वास नहीं होता तो आपके उसी वीडियो के कमेंट में जाकर देखो कि लोगों ने कितने ज़्यादा गालियाँ आपको बरसाया हुआ है। और यकीन नहीं आता है तो इसी वीडियो जो YouTube पर अभी आप देख रहे हो उसके कमेंट में भी जाकर देखो कि आपके प्रति लोगों का भावना क्या है, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पारस खड़का द्वारा कही हुई अभिव्यक्ति आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इसमें कोई बड़ी कंपनी की चाल है अर्ना को बदनाम कराने के लिए, वो भी अपना राय कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।